हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट में रिलेशन सबसे पहले बायोट और सेवर्ट ने बताया। डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल। तो बायोट सेवर्ट लॉ रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट में। एम्पियर ने भी इस पर काम किया, इस पर स्टडी किया। तो एम्पियर ने भी रिलेशन बताया मैग्नेटिक फील्ड और करंट में, जैसे बायोट सेवर्ट लॉ बताता है। इन्होंने अपना लॉ दिया एम्पियर ने, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज का टॉपिक अपना यही है, एम्पियर सर्किटल लॉ, आज इसको ही समझेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट में, जैसे बायोट सेवर्ट लॉ बताता है। एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसा ही है जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। याद है आपको गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं उसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds भी लिख सकते हैं। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ds इज स्मॉल एरिया, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है। यहां पे हम देखते हैं चार्ज एनक्लोज्ड। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखते हैं? चार्ज एनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस। यहां पे होता है करंट एनक्लोज्ड, वहां पे क्लोज्ड सरफेस होती है, यहां पे क्लोज्ड लूप होता है, जैसे सर्कुलर लूप या रेक्टेंगुलर लूप एम्पियर सर्किटल लॉ में लूप होता है, ठीक है। यहां पे 1/ε0 है, यहां पे म्यू नॉट होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में, देखेंगे अभी हम। यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds होता है, ds इज स्मॉल एरिया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लूप लेते हैं, तो यहां पे लेंथ होता है स्मॉल लेंथ। तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, फाइनली समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं तब समझ में आ जाएगा, रिलेट कर सकते हैं आप। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? सपोज आपके पास बहुत सारी वायर हैं, एक वायर ये है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, एक वायर ये है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, एक वायर ये है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3, एक वायर ये है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I4। इन सब की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को टच करते हुए एक लूप बनाओ, एक लूप बनाओ। क्या बनाओ? ध्यान से सुनते रहना, लूप बनाओ। तो हम लूप बनाते हैं, हमने यहां पे सपोज ऐसे सर्कुलर लूप बना दिया। इस लूप की कुछ डायरेक्शन रख लो, मैंने डायरेक्शन इसकी ऐसे ले ली, आप कैसे भी ले सकते हैं। मैंने ये लूप इस प्लेन में है, समझ रहे हैं, इस प्लेन में वायर ऐसी है, ये लूप इस प्लेन में, मैंने ये डायरेक्शन ले ली लूप की, आप ये भी ले सकते हैं, डायरेक्शन आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी हमने डायरेक्शन ले ली। अब देखो सपोज इस लूप में एक छोटा सा लेंथ है डीएल, ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो लूप की डायरेक्शन है, ठीक, एक छोटा सा लेंथ इसमें। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी डॉट डीएल, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी लिखेंगे स्टेटमेंट, समझ में आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया है वो है IE, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। फिर से देखो DL इस पे एक स्मॉल लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड हो गई, B डॉट DL इसका इंटीग्रेशन कर दो, B डॉट DL पूरे यहाँ पे जो B डॉट DL है उनका समेशन कर दो। ये गोला क्या बता रहा है? फॉर क्लोज्ड लूप, पूरे लूप में इट इज इक्वल टू म्यू नॉट IE। अब देखो करंट कितना एनक्लोज किया इस लूप ने, इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया। जो करंट ऊपर जा रहे हैं उनको प्लस ले लो, नीचे को माइनस ले लो, या ऊपर वाले को माइनस ले लो, नीचे को प्लस ले लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक रूल बना दिया ताकि सब एक जैसा ही करें। हमने रूल ये बनाया कि जिस डायरेक्शन में आपने लूप लिया है, लूप कौन सी डायरेक्शन में है? इस प्लेन में है लूप, ऐसे इस प्लेन में लूप है। जिस डायरेक्शन में आपने लूप लिया है वहां पर राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। लूप इस डायरेक्शन में है तो ऐसे घुमाओ, ये राइट हैंड की फिंगर्स को हमने ऐसे घुमाया। आप इधर भी लूप ले सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाया, जहां थंब आ गया थंब की डायरेक्शन वाले करंट को प्लस ले लो। तो ऊपर वाले करंट को प्लस ले लो, नीचे वाले को माइनस ले लो। तो करंट एनक्लोज कितना हो गया यहां पे? तो हम लिख सकते हैं लाइन, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ऊपर वाले करंट प्लस I1 प्लस I2 प्लस I4। ये ऊपर जा रहे हैं, I3 नीचे आ रहे हैं, माइनस I3। फिर से देखो
करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, प्लस या माइनस, जहां लूप है वहां राइट हैंड की फिंगर्स घुमाओ, थंब की डायरेक्शन में जो करंट आए प्लस, थंब से अपोजिट जो है वो माइनस, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर माइनस आई थ्री। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, यह भी तो ऐसा ही था। ई डॉट डी एस क्या है, ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एस है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड, तो वैसा ही है ना, गॉस लॉ की तरह, ठीक है। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ का। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल मतलब बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, समझ गए। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, क्लियर। और करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है वो मैंने आपको समझा दिया, तो कुछ ऐसा ही है जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये जो हमने लूप लिया इस लूप को कहते हैं एम्पीरियन लूप, क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम गॉसियन सरफेस लेते थे, गॉसियन सरफेस वो तो सरफेस थी, यहां पे हम लेते हैं एम्पीरियन लूप। ये लूप सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, लूप लेना है यहां पे। तो कैसा लूप कहते हैं इसको, एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप को सिलेक्ट करने के, चूज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कैसा होना चाहिए एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए अब उसको देखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अभी तक कि एम्पीयर सर्किट लॉ क्या कहता है, ये रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट में, जैसे बायोट सेवर्ट लॉ बताता है, ठीक है। चलो एम्पीरियन लूप को देखते हैं, चूज एम्पीरियन लूप सच दैट आइदर, देखो लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए लूप के टेंजेंशियल, जो आपने एम्पीरियन लूप लिया है मैग्नेटिक फील्ड उसके टेंजेंशियल होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। या फिर सेकेंड बी इज नॉर्मल टू द लूप, लूप के परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। या फिर बी वैनिसेस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जीरो, ठीक। तो ऐसे आपको एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करना है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब एम्पीयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस इसको नोट कर लेना, सब कुछ लिखते रहना है, यही नोट्स हैं जो मैं लिख रहा हूं वही आपको भी लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशंस देखते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसकी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करके, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट, समझ में आ रहा है क्या है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, मुड़ी भी नहीं है, बेंड नहीं है, करंट कैरिंग वायर, उस पर करंट फ्लो कर रहा है, हमारे पास वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेंथ का पता नहीं, ये है हमारे पास वायर, सपोज इसमें करंट आई चल रहा है,
ये वायर है ऐसे सीधी, यहाँ पे ये वायर है, इसमें करंट आई ऊपर के लिए चल रहा है। तो इसकी वजह से सपोज हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, सपोज यहाँ से आर डिस्टेंस पे। कैसे कैसे फाइंड करना है एम्पियर सर्किट लॉ, कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले एम्पीरियन लूप बना लो। एम्पीरियन लूप कुछ इस तरीके से बना लो कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाए, तो मतलब इससे इक्वल डिस्टेंस पे बना लो, इक्वल डिस्टेंस पे लूप बनाना है, सरफेस मत बोलना, सरफेस नहीं लूप। तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे कैसा लूप आएगा, ऐसे सर्कुलर लूप आ जाएगा और इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, मतलब आर। ठीक, एम्पीरियन लूप बना लिया जी। एम्पीरियन लूप हमने ऐसे बनाया, इस डायरेक्शन में हमने इसमें स्मॉल लेंथ ले लिया डीएल, जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो लूप की डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट वायर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऊपर, तो जहां करंट फ्लो कर रहा है वहां राइट हैंड का थंब कर दो और फिंगर्स को घुमाओ, ऐसे करंट ऊपर चल रहा है राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसी है, ऐसे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी ये हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दो, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो फिर से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी गोल, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, यहां पे टेंजेंट बना दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी होगी ना गोल, टेंजेंट बना दो, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहां पे टेंजेंट सही बना देते हैं, यहां से टेंजेंट ऐसे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना के। ठीक है, अब यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल भी इधर है, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। तो अब एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं, आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ अप्लाई करो। क्या कहता है एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। ठीक है, करते हैं इसको, बी डी एल, बी डी एल कॉस थीटा, बी डॉट डी एल मीन्स बी डी एल कॉस थीटा, दोनों में एंगल कितना है, बी इधर डी एल इधर 0, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो ऐसा हो गया। म्यू नॉट करंट कितना इनक्लोज कर रहा है ये लूप, ऊपर के लिए करंट इनक्लोज कर रहा है, ये वाला करंट इनक्लोज कर रहा है जो ऊपर जा रहा है, मतलब आई लूप ऐसा लिया ना हमने, डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन ये, तो करंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये करंट एक ही करंट तो इनक्लोज कर रहा है आई बस। ठीक है, म्यू नॉट आई, अब देखो बी कॉन्स्टेंट होगी सभी पॉइंट पे, बी कॉन्स्टेंट क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ये लूप इससे इक्वल डिस्टेंस पे है वायर से, तो बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन करो, डीएल 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 सब डीएल, जितने भी डीएल है प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा इस लूप का सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr, बी इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πi अपॉन r, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4πi का वैल्यू पता होता है 10⁻¹, तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4πi, क्योंकि हम यहां 2 लेके आए जबरदस्ती, तो 2 यहां भी लेके आना पड़ेगा, तब ये यही तो आ जाएगा, 2 गया, 2 से 4 गया, 2 बचा, म्यू नॉट अपॉन 2πi अपॉन r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पे, म्यू नॉट अपॉन 4πi 2i अपॉन r, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर, ये है म्यू नॉट अपॉन 4πi 2i अपॉन r, समझ आ गया। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, म्यू नॉट अपॉन 4πi का वैल्यू पता होता है 10⁻¹, 2 is 2i, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, r डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर, समझ गए। तो यह है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन करते हैं, ये आ गया समझ में कैसे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है। लूप एज्यूम किया, सर्कुलर लूप आया, बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, कॉस 0, बी कांस्टेंट है सब जगह पे, बी भर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि ये की करंट एनक्लोज कर रहा है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πi अपॉन r, 2 था यहां पे, हमें म्यू नॉट अपॉन 4πi पता होता है, तो 2 यहां भी लेके आया, म्यू नॉट अपॉन 4πi 2i अपॉन r, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे सेकंड एप्लीकेशन देखो कितना इजी है ये, सेकंड एप्लीकेशन सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन सोलेनॉइड टोरॉइड, सीबीएसई ने इनका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दिया है बस सिलेबस में, क्वांटिटेटिव नहीं, तो क्वालिटेटिव मीन्स हमें इक्वेशन पे नहीं जाना, लेकिन मैं कराऊंगा आगे इनका डेरिवेशन। सेकेंड सोलेनॉइड,
स्टेट वायर की वजह से आ गए ना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। तो सोलेनाइड और थर्ड एप्लीकेशन टोराइड, इनका हमें बस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है जो सीबीएसई के सिलेबस में दिया गया है। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट डेरिवेशन में आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो सोलेनाइड समझते हैं क्या है। सोलेनाइड क्या है, एक वायर ऐसे फॉर्म में, ये सोलेनाइड है, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बना के, ये जो आपको दिख रहा है ये है सोलेनाइड। ये वायर देखो गोल घुमाई गई है ऐसे, ये सोलेनाइड, ठीक। इसमें करंट फ्लो करा देते हैं हम। कहाँ यूज होता है सोलेनाइड, सोलेनाइड हम यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनाइड हम यूज करते हैं स्टार्टर ऑफ द व्हीकल, और भी बहुत सारे यूजेज हैं सोलेनाइड के, हम आगे पढ़ते जाएंगे इसको, सिलेबस में आगे आता जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा यूज है सोलेनाइड का एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं। इसमें सोलेनॉइड में देखो सर्कुलर लूप्स हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स, वायर को ऐसे घुमाया गया है, सर्कुलर लूप सर्कुलर लूप सर्कुलर लूप। तो एक सर्कुलर लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सपोज करंट ऐसे चल रहा है, करंट यहां से ऐसे चल रहा है करंट, यस, ठीक, समझ गया, करंट ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर के लिए बन जाएगी सर्कुलर लूप की। ये अपनी मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वो हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है, क्लोज लूप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस अकेले सर्कुलर लूप की देखें तो ऐसे क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, यहां से वापस आ जाएंगे ऐसे, अकेले सर्कुलर लूप की वजह से। लेकिन क्योंकि इसके आगे सर्कुलर लूप भी है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगभग स्ट्रेट होती है ऐसे, यहां से फिर बाहर आके ये बेंड हो जाती है ऐसे, ठीक। हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस समझना है इसको। यहां पे सर्कुलर लूप बहुत पास पास हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर लगभग स्ट्रेट हो जाती है यहां से, लेकिन बाहर ऐसे बेंड हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ध्यान रखना इसका, ये हम आगे भी पढ़ेंगे ऐसे। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई ड्यू टू सोलेनॉइड ऐसे, ठीक, ये है इसके। सोलेनॉइड का यूज मैंने आपको बता दिया, सोलेनॉइड सबसे ज्यादा यूज होता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर हम इसका और आगे एप्लीकेशन आगे देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं टोराइड की। टोराइड क्या है, सोलेनॉइड को ऐसे घुमा दो बस ऐसे, तो टोराइड ये हो गया, ये टोराइड है, ये सोलेनॉइड ऐसे था, मैंने इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, टोराइड, समझ गए। इसके एंड नहीं होते, ऐसे मिला दिया इसको, और दो टर्मिनल यहां से करंट आएगा, तो ये है हमारे पास टोराइड, ठीक। इसको भी समझते हैं थोड़ा टोराइड को। टोराइड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके थ्री रीजन्स बताता हूं मैं आपको। रीजन नंबर वन, इसको कहते हैं आउटसाइड, आउटसाइड द टोराइड। रीजन नंबर टू, ये हो गया इनसाइड, ये इनसाइड। और एक रीजन ये है, ये तारों के बीच में, इसको कहते हैं विद इन टोराइड, विद इन टोराइड, ठीक। मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये ऐसे घुमा दिया इसको ऐसे, तो ये आउटसाइड टोराइड हो गया, ये रीजन इनसाइड टोराइड हो गया, और जो बीच में है यहां यहां यहां, इसको कहेंगे विद इन टोराइड, ठीक। अब देखो थोड़ा इसको, अगर आउटसाइड द टोराइड देखें तो इस पे दो टर्मिनल आ रहे हैं, करंट यहां से जा रहा है यहां से वापस आ रहा है, तो कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, नेट करंट इनक्लोज 0, क्योंकि जितना यहां से जा रहा है इतना वापस आ जा रहा है। तो आउटसाइड द टोराइड, आउटसाइड द टोराइड नेट करंट इनक्लोज 0, ठीक, करंट इनक्लोज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोराइड 0, लिख लो इसको, यस लिख लेते हैं। खैर इसका डेरिवेशन होता है वो नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है बस, मैं आगे डेरिवेशन भी करवाऊंगा। आउटसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, करंट पास कर रहा है इस टोराइड में, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। इनसाइड द टोराइड, यहां इस रीजन में, इस रीजन में, यहां इस रीजन में देखिए एक लूप बनाया, कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, कोई करंट इनक्लोज ही नहीं कर रहा है, तो इनसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड 0। विद इन टोराइड, यहां इस रीजन में, विद इन टोराइड, तो विद इन टोराइड मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के अंदर की बात करें इस रीजन में, यहां मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, एन इज अगेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोराइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, विद इन टोराइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई,
ठीक, टोरॉइड अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके एंड नहीं होते, तो फ्लक्स लीकेज नहीं होता इसमें, ठीक, ये सब हम आगे करेंगे। तो बस इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है सोलेनॉइड और टोरॉइड का, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन सिलेबस में हमारे पास, बार बार यही कह रहा हूं मैं, सिलेबस में हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके देखे हमने एप्लीकेशंस, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इनफ है, थैंक यू।